ओडिशा से भारी मात्रा में अवैध रूप से अंग्रेजी और देशी शराब लेकर छत्तीसगढ़ पहुंचने वाले तस्करों के खिलाफ महासमुंद की बुंदेली पुलिस ने कार्रवाई की है। शराब तस्करों से 10,000 रुपए कीमत के शराब, मोटरसाइकिल सहित 50,000 रुपए के कीमती सामान जब्त किए गए हैं। मामले को लेकर मिली जानकारी के अनुसार बुंदेली चौकी प्रभारी विकास शर्मा को लंबे समय से शराब की तस्करी किए जाने की सूचना मिल रही थी। इसी क्रम में बुंदेली और ओडिशा बॉर्डर के फिक्स पॉइंट पर पुलिस टीम को मछुआरे के वेश में तैनात किया गया, जहां पुलिस टीम के द्वारा तेज रफ्तार वाहन चलाते हुए आ रहे दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। युवकों से पूछताछ की गई, उनके पास रखी गई 5 पेटी शराब सहित अन्य सामग्री को पुलिस द्वारा जब्त किया गया। आरोपियों के पास यात्रा संबंधी कोई दस्तावेज नहीं थे, जिससे भारतीय दंड विधान की धारा 188 एवं आबकारी अधिनियम की धारा 342 के तहत कार्रवाई की गई है।